लाइए आज की जय हो, हनुमान जी महाराज की। चले जाएंगे, चलेंगे। तीन दिन कर दो, चौथे दिन 200 आदमी लाइन लगा मिलेगा। हाँ, दीपावली से पहले हम इसलिए पूजन करते हैं कि दिवाली एक प्रकाश का उत्सव है। जब हम किसी बुराई का नाश करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारी बुद्धि में प्रकाश पैदा होता है। तो बुराइयाँ अंधकार का रूप होती हैं और दिवाली प्रकाश का उत्सव होता है। तो अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की ओर बढ़ने का यह प्रयास है, इसलिए हम लोग दिवाली के आसपास इसका पूजन करते हैं। ये उल्लू पूजन हम लोग पिछले लगभग 10 वर्षों से चल रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि उस वर्ष की जो सबसे बड़ी बुराई है, जो देश के लिए, समाज के लिए घातक है, वो बुराई एक उल्लू के रूप में होती है और वो उस देश से और हमारे समाज से उड़ जाए, वहाँ से समाप्त हो जाए, इस कामना के साथ हम लोग ये पूजन करते हैं। इस वर्ष हमारा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापित की गई है, जिन्होंने भारत को एक संयुक्त गणराज्य के रूप में स्थापित किया। और ऐसे समय में कुछ ऐसी विचारधाराएं उभर के आ रही हैं जो इस देश की अखंडता के लिए एक समस्या बन रही हैं और उनके मुँह से नारे लग रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि वो युवा वर्ग है जो इस प्रकार की बात कर रहा है और इस तरह की चीज़ें विद्या के संस्थानों से उठ रही हैं। इसके पीछे वो दल हैं जो अपने निहित स्वार्थों के लिए देश को खंडित करना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है उन दलों को संचालित करने वाले लोगों की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है, उन युवाओं की बुद्धि पर उल्लू बैठ गया है जो पढ़ने लिखने की बजाय देश की अखंडता को चुनौती देते हैं और भारत के विभाजन की बात करते हैं।